मिला इस्पात संयंत्र के प्रबंधन की नीतियों को मजदूर विरोधी नीतियां बताते हुए लगभग 40 महीने के बकाया एरियर्स की मांग के साथ वेतन पुनर्निर्धारण तो 8 साल से नहीं हुआ एवं इस वर्ष के बोनस को लेकर संयुक्त ट्रेड यूनियन द्वारा सेक्टर 1 मुर्गा चौक पर एक दिवसीय धरना देकर आक्रोश जताया गया। सेक्टर 1 भिलाई के मुर्गा चौक पर इस पंडाल के अंदर संयुक्त ट्रेड यूनियन के लोग बैठे हुए हैं और यह भिलाई इस्पात संयंत्र प्रबंधन की नीतियों को मजदूर विरोधी नीति बता रहे हैं, क्योंकि भिलाई इस्पात संयंत्र प्रबंधन ने लगभग 8 साल से वेतन पुनर्निर्धारण नहीं किया है, जबकि सरकारी उपक्रम कोल इंडिया और NMDC जैसे प्रबंधन ने इतने दिनों में 2 बार वेतन पुनर्निर्धारण कर दिया है। साथ ही 46 से 48 महीने का एरियर्स भी मजदूरों को नहीं दिया गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, यह ट्रेड यूनियन इसलिए भी खफा है कि उनकी मांग के अनुसार इस वर्ष 20% बोनस देने के बजाय मात्र 24,000 रुपये कर्मियों के खाते में बोनस के तौर पर भेज दिया गया है। यह प्रबंधन लगातार मजदूर हितों का हनन करता चला आ रहा है, ऐसा कहना है संयुक्त ट्रेड यूनियन के लीडरों का। सिर्फ इतना ही नहीं, यह एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर मजदूर नेता प्रबंधन को यह भी चेतावनी दे रहे हैं कि यदि जल्द उनकी मांगे पूरी ना हो पाई तो आने वाले 28 तारीख को प्रबंधन को एक बड़े हड़ताल का सामना करना पड़ सकता है और यह हड़ताल अनिश्चितकालीन भी हो सकती है। संयंत्र में कार्य करने वाले कर्मचारी भी इस बात से खफा हैं कि उन्हें बोनस के तौर पर 20% राशि की बजाय 24,000 रुपये उनके खाते में डाल दिए गए हैं। मामले को लेकर संयुक्त ट्रेड यूनियन ने सेक्टर 1 भिलाई के मुर्गा चौक पर खड़े होकर जमकर प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी की और न्यूज टीम को इस मामले की जानकारी दी। आज हम लोग यहाँ पर सेल प्रबंधन की जो तानाशाही है उसके खिलाफ धरने पर बैठे हैं। 8 साल होने जा रहा है, अभी तक हमारा वेज रिवीजन नहीं हुआ है, जबकि इसी बीच में कोल इंडिया का 2 बार वेज रिवीजन हो चुका है, NMDC का भी 2री बार वेज रिवीजन होने जा रहा है। सेल प्रबंधन के साथ जो हमारी सर्वोच्च कमेटी NJCS है उसके साथ जो MOU हुआ, MOU में किए गए वादे को, करार को भी मैनेजमेंट मन नहीं मान रहा है। जो हमारा 39 महीने का एरियर्स है वो एरियर भी मैनेजमेंट नहीं दे रहा है। हमारे हाउस रेंट अलाउंस के मुद्दे अभी रुके हुए हैं। इसी मांग को लेकर हम बार बार प्रबंधन के पास गए, लेकिन प्रबंधन गोलमोल जवाब देता है। अभी बोनस की जो हमारी बैठक हुई 1 अक्टूबर को, यूनियनों ने खारिज कर दिया प्रबंधन के प्रस्ताव को। उसके बाद प्रबंधन मनमाने तरीके से डाल दिया। एक तरह से वो बताना चाह रहा है कि हम यूनियन की ज़रूरत हमें नहीं, हम जो मन में आएगा वो करेंगे। प्रबंधन के इस तानाशाही के खिलाफ में ही कर्मचारियों में अत्यधिक आक्रोश है, यूनियनों में आक्रोश है, उसको एक चेतावनी दी गई है। प्रबंधन यदि नहीं माना तो 28 अक्टूबर को पूरे सेल में हड़ताल होगा और उसी कड़ी में आज हम लोग यहाँ धरने पर बैठे हैं। सेल प्रबंधन ने पिछले 93 महीने से वेतन समझौता को पूर्ण नहीं होने दे रहा है। जो MOU हुआ भी तो उस MOU के तहत जो 39 महीने का जो एरियर्स बकाया है वो सरकार की अफोर्डेबिलिटी क्लॉज का हवाला देते हुए उसको नहीं देना चाह रहा है, जबकि DA बेसिक का जो डिफरेंस होता है, जो एरियर्स, वो हमारा हक है, उसको हर हालत में देना है। पिछले दिनों जो बोनस के ऊपर में जो मीटिंग बुलाया था दिल्ली में, उस मीटिंग में 5 NJCS के ट्रेड यूनियनों ने उस बोनस फार्मूले को सिरे से खारिज कर दिया और बोला कि नए सिरे से चर्चा करो और अभी 40,500 रुपया जो पिछले साल मिला था उसके ऊपर बातचीत शुरू करो, उसके बाद फार्मूला के ऊपर बाद में बात करेंगे। तो प्रबंधन उसको नहीं माना, बैठक बिना किसी नतीजे के रुक गई, स्थगित हो गई। उसके बाद प्रबंधन ने 5 तारीख को आनन फानन में सबके खाते में पैसा डाल दिया। तो इस तरीके की जो मनमानी लगातार प्रबंधन कर रहा है, एक तरफा निर्णय लेके जो कर्मचारियों के ऊपर में थोप रहा है, और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रबंधन कहीं ना कहीं ये समझने लगा है कि मैं सेल का मालिक हो गया हूँ, जबकि हम ये मानते हैं कि तुम हाई पेड वर्कर हो, हम लोग लो पेड वर्कर हैं, तो आपको ज़्यादा तनख्वाह मिलती है, हमको कम तनख्वाह मिलती है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। आप मालिक समझने की गलती मत करो, कर्मचारी विरोधी निर्णयों को लेना बंद करो।
इसी सब चीज़ों को लेकर सीधा चेताते हुए आज यहाँ पर धरना दे रहे हैं। और प्रबंधन यदि नहीं माना तो 28 तारीख को हड़ताल के लिए पूरे सेल के अंदर में सभी इकाइयों में नोटिस दिया गया है और वो हड़ताल पूरे ताकत के साथ सफलता के साथ में पूरे सेल के अंदर होगा। जैसा कि हमारे साथी वंत बहादुर जी और सारे लोगों ने बताया कि 28 अक्टूबर को जो पूरे सेल में हड़ताल होना है, हम प्रबंधन को बार बार चेतावनी देने के बाद भी प्रबंधन मान नहीं रहा है और गोलमोल जवाब लगातार देते आ रहा है, इसलिए प्रबंधन के पैरों में हथकड़ी और जंजीर जकड़ना पड़ेगा आने वाले समय में। कर्मचारी और यूनियन से अगर बैठकर चर्चा करके इन समस्याओं का हल नहीं करता है, आने वाले समय में ऐसी परिस्थिति बनेगी पूरे सेल स्तर पर भिलाई इस्पात संयंत्र सारे सेल के प्लांट बंद होने की स्थिति में आ जाएंगे, क्योंकि कर्मचारी और यूनियन के सारे लोग बहुत ज़्यादा आक्रोशित है। इस आक्रोश को देखते हुए अगर प्रबंधन आज भी नहीं चेताता है, आने वाले समय में इसको भुगतान करना पड़ेगा। मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि वर्तमान समय में प्रबंधन की मजदूर विरोधी नीति धीरे धीरे उजागर होती जा रही है और जिस प्रकार से वेज रिवीजन, एरियर्स, बोनस को लेकर सभी यूनियनों की मांगों को एक सिरे से खारिज करके जिस प्रकार से प्रबंधन ने अपनी हठधर्मिता का परिचय दिया है, इसके विरोध में सारे कर्मचारी सारे यूनियन लामबंद हैं और 28 अक्टूबर को जो हड़ताल तय की गई है उसी के कड़ी में आज का प्रदर्शन है और 28 अक्टूबर को हड़ताल होगी और यदि प्रबंधन ने अपना रुख नहीं बदला, कर्मचारियों की मांगों को नहीं माना तो उसके आगे और कड़े कदम उठाए जाएंगे। हम लोग भी एक दिवसीय धरना प्रदर्शन है, लेकिन आने वाले दिनों में 28 तारीख को हड़ताल होगा तो उसमें हम लोग पूर्णतः इसमें शामिल हो रहे हैं। उसका जो बेसिक कारण है कि यहाँ का जो मैनेजमेंट है वो संविधान से अपने आप को ऊपर समझने लगा। जब बाबा साहब अम्बेडकर भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बनाए तो देश का जो गवर्न है वो संविधान के अनुरूप होना चाहिए, ये इन्होंने बनाया है कि मतलब इसी से ही देश चलना चाहिए। लेकिन इस समय का मैनेजमेंट ऐसा है कि वो संविधान से ऊपर हो गया। अब एक कानून बना हुआ श्रम कानून है, उसके असर ट्रेड यूनियन का भी अपना कानून है, इंडस्ट्री और जो है कर ट्रेड यूनियन के जो नेता हैं आपस मिल करके निर्णय करते हैं, उसके बाद जो है श्रमिकों को कोई चीज़ सुविधाएं मिलती है। लेकिन इस समय ट्रेड यूनियन के नेताओं को कोई वैल्यू नहीं दे रहे, मैनेजमेंट जो मन में आ रहा कर रहा है, इसका मतलब कानून राम की चीज़ उनकी नज़र से ख़त्म हो गया है। अब कानून ख़त्म तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि लोगों में अराजकता और असंतोष का वातावरण फैलता है, लाइन ऑर्डर की समस्या आने वाले दिनों में भविष्य में भी हो सकती है। इसीलिए मैं प्रबंधन को एक जो है एक मैं वार्न करता हूँ या कहूँगा कि वो इससे जो बाज आए इस चीज़ को लेकर के, क्योंकि अगर नहीं आए तो वो अगर अराजकता प्लांट इंडस्ट्री के अंदर किसी प्रकार की अगर फैलती है तो उसके लिए पूरी तरह से प्रबंधन जिम्मेदार होगा। इंकलाब जिंदाबाद। आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन पूरे सेल के यूनिट में 5 यूनिट में और पूरे 8 बजे से लेकर 6:30 बजे तक हम लोग एकजुट होकर संयुक्त यूनियन के बैनर तले धरना में उतरे हैं। और इसका मुख्य कारण ये है कि अभी मैनेजमेंट सरकार के तानाशाही रवैये को पुरजोर से पूंजीपतियों के खिलाफ सपोर्ट में पूंजीपतियों के हित में ये इम्प्लीमेंट करने जा रहा है और इसका सीधा हम लोग के प्रभाव ये पड़ रहा है कि मजदूर को न तो समय में उनका सम्मानजनक वेतन समझौता हो रहा है। हम लोग मांग कर रहे हैं अभी दिवाली में बोनस सम्मानजनक 40,000 से ऊपर बात हो और नए फार्मूले के ऊपर चर्चा हो, तो इस सब बातों को लेकर के, लेकिन मैनेजमेंट अनसुना करके एक तरफा निर्णय मजदूरों के ऊपर जो थोप रहा है उसके खिलाफ हम लोग ये चेतावनी देने के लिए एक दिवसीय धरना में उतरे हैं। और इस धरना के बाद भी मैनेजमेंट में कोई कदम नहीं उठाया तो हम लोग सारे यूनियन एकजुट होकर के हम लोग 28 तारीख को कड़े कदम उठाते हुए हड़ताल की ओर अग्रसर होंगे। धन्यवाद। अभी जो एक दिवसीय धरना ये होने जा रहा है, ये यूनियनों को मजबूर किया जा रहा है, जो उसकी अथॉरिटी बेस है NGCS, जो उसकी अथॉरिटी बेस है किसी भी प्रबंधन और उसको लेकर के जो किया है, आज पहली बार में पहला मीटिंग में नामंजूर करने के बाद भी उन्होंने दूसरी बार में
अपने मनमर्जी से, ना चाहिए मनमर्जी से उन्होंने पैसा खाते में डाल दिया। हम स्पष्ट करना चाहते हैं, ये कोई हमको भीख नहीं दे रहे हैं, ये कोई बख्शीश नहीं है, ये कोई आप इनाम नहीं दे रहे हैं। हम जो मेहनत करते हैं उसका जो मतलब हक है यूनियनों के द्वारा संपूर्ण एकताबद्ध रूप से मतलब हुआ है। बहुत सारी मांगे हैं, ठेकेदार जो है ठेकेदारी के ऊपर सबसे खराब मतलब हालत है। आज हम उनको मांग करते हैं कि S1 का उनको मतलब अधिकार दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है समान काम का समान वेतन, जो काम करते हैं वो भी वही मतलब करते वो है, तो उसमें डिफरेंट नहीं होगा। बहुत सारी समस्या है, मगर आज हम जो बोनस हमारा मतलब ये है, आपने जो मन मर्जी किया है इसके खिलाफ संयुक्त एकता बद्ध लड़ाई पूरे सेल के प्लांटों में चल रहा है। आगे हड़ताल भी है और भी अगर होगा तो हम लड़ाएंगे और अपना हक वापस लेंगे। वेतन का पुनर्निर्धारण 8 वर्षों से न हो पाना वाकई समझ से परे है। जबकि इस बीच कोलफील्ड और NMDC जैसे प्रबंधन ने 2 बार वेतन पुनर्निर्धारण कर दिया है। देखना होगा क्या प्रबंधन 28 अक्टूबर के पहले संयुक्त ट्रेड यूनियन की मांगों पर विचार करता है या फिर प्रबंधन को 28 अक्टूबर को होने वाले हड़ताल का सामना करना पड़ता है। ACN न्यूज़ के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।